सीएम का फैसला कांग्रेस हाईकमान करता है, हमारे यहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, इस बारे आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारा अभियान हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा पार्टी का, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अभियान की शुरुआत आज से एक महीने पहले हुई और इसमें कोई नई बात नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष का सवाल पूछना और जनता का सवाल पूछने का अधिकार है। 10 साल में हरियाणा की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और इसीलिए हमने ये 15 सवाल भाजपा सरकार के सामने रखे आज से एक महीने पहले और आज तक इन 15 सवाल पे भाजपा सरकार का कोई जवाब नहीं आया। बड़े सिंपल से प्रश्न है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत सरकार के अनुसार हरियाणा में क्यों है? कितना बुरा नुकसान हरियाणा नौजवान का हो गया देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा अपराध आज हरियाणा में क्यों है भारत सरकार के अनुसार? देश में सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? क्यों आम जनता को पोर्टल और आईडीज में फैमिली आईडी पहचान पत्र और पोर्टलों में उलझा दिया है सरकार ने, जब गुजरात में पोर्टल नहीं तो हरियाणा में क्यों पोर्टल? और दूसरी तरफ नौजवानों को क्यों सीटी और कच्ची भर्तियों में उलझा दिया और पक्की नौकरी मिली नहीं? 3 साल से सीटी हुई नहीं, एक बार सीटी हुई उसके बाद से नौजवान चक्कर काट रहे हैं, लोगों को पोर्टल आईडियों में उलझा दिया, नौजवानों को सीटी में और कच्ची नौकरियों में उलझा दिया, कौशल निगम की बात हो, अग्निवीर की बात हो। क्यों हर वर्ग का शोषण किया गया? किसान पर इतना अत्याचार, आपने देखा 750 किसानों की एक तरफ जान गई, छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के आगे धरने देने पड़े, 5,000 स्कूल बंद हो गए और 500 स्कूलों के आगे धरने चले। देश में कहीं और ये उदाहरण नहीं है कि छोटे छोटे स्कूलों छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के आगे धरने देने पड़े हों, हरियाणा छोड़ के कोई दूसरा उदाहरण नहीं बना। और हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर धरने देने पड़े, अपने न्याय के लिए उनको घसीटा गया, आपने देखा। ये हमारे सारे प्रश्न हैं लेकिन अभी तक एक भी प्रश्न का जवाब भाजपा ने नहीं दिया है। आप खुद पत्रकार हैं, आप जागरूक हैं, 10 साल की आज बदहाली की आवाज़ और सवाल, आप लोग भी चाहते हो कि पत्रकारिता का प्रश्न उठता सरकार से, 5 साल का हिसाब लें अपना, तो ये हम आपके लिए भी आपके माध्यम से हमारे प्रश्न सरकार तक पहुंचे, सरकार जवाब दे। सर, विनेश ने यहाँ से जाने से पहले अपने ट्विटर पे लिखा था कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, ओलंपिक में वो गोल्ड से जीतके रहेगी, आप क्या मानते हैं इसमें कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है? देखिए, जो हुआ है वो देश के सामने है और जो कल पीटी उषा और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, जब अभी सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है मेडल की, देश का ही मेडल आता ना वो, उससे पहले ये लिख के देना कि ये सारी जिम्मेदारी खिलाड़ी की थी और हमारी कोई इंडियन ओलंपिक आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जो साथ में जो चल रहे थे डॉक्टर स्पोर्ट्स स्टाफ, बोला जी हमारी जिम्मेदारी नहीं थी वेट की, जिम्मेदारी केवल खिलाड़ी की थी। ये ऑफिशियल अगर ये चिट्ठी ऐसे समय में आना जब अंतर्राष्ट्रीय एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के आगे ये मुकदमा चल रहा हो, तो आप क्या नियत मानेंगे इसमें? मेडल लाने की नियत है और मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जिन्होंने ये चिट्ठी कल लिखी, अगर कोई जिम्मेदारी किसी अधिकारी की नहीं थी, खिलाड़ी तो 124 गए, खिलाड़ी तो 124 गए, लगभग 600 करीब अधिकारी साथ गए, तो जो अधिकारी जो थे वो क्यों गए अगर उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं थी? वो ऑफिशियल क्या पेरिस में घूमने गए थे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? तो मैं समझता हूं कि ये एक जांच का विषय है कि ये चूक कैसे हुई, किस स्तर पे हुई, किसकी जिम्मेदारी थी। बहुत से प्रश्न देशवासियों के दिलो दिमाग पे हैं, ये जांच का विषय है। निश्चित एक बार ये पहले फैसला हो, उससे उस समय तक हम जो है फैसले के बाद जो भी एक मेडल का फैसला होगा इस पे जांच कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जिस पे विश्वास बने, मगर इस सरकार से मैं उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। दीपेंद्र जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है 10 साल में भ्रष्टाचार हुआ है, एक बार वो पूरा हो जाए बाबू जी बोलोगे? हमारा बहुमत होता तो हम इनको राज्यसभा भेज देते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान आने के बाद आजकल बीजेपी वाले भी इसी बयान को दोहरा रहे हैं कि हम इनको भेज देंगे अगर वो इच्छा रखती है। देखिए, ये मैं उस
हुड्डा साहब ने जो ये बात रखी है मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जो विनेश हैं वो केवल उनकी केवल भावनाएं हर्ट हुई हैं, ऐसी बात भी नहीं है। भावनाएं तो हर्ट हुई हैं उनकी, पूरे देश की भावनाएं हर्ट हुई हैं, लेकिन वो एक संघर्ष और साहस के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। क्योंकि पहले उन्होंने अपने देश की सरकार से लड़ना पड़ा, अपने सिस्टम से लड़ना पड़ा, फिर दुनिया से लड़ना पड़ा, और दुनिया से लड़के वो जो है ओलंपिक फाइनल तक सही रूप से उन्होंने क्वालिफाई किया। आगे उनको मौका नहीं मिला, जो परिस्थितियां बनी आपको पता है। तो विनेश के साथ देश की भावना भी इसीलिए जुड़ी है क्योंकि वो एक संघर्ष और तपस्या के प्रतीक के रूप में। तो इसीलिए हुड्डा साहब ने जो ये सुझाव रखा है ये बहुत अच्छा सुझाव है, और इसमें मैं इसका पूरा समर्थन भी करता हूँ। और जो एक बयान आया, जेजेपी पार्टी का बयान था शायद कि भाई उनको जो एमिनेंट पर्सन कोटा होता है जिसमें सचिन तेंदुलकर और मेरी कॉम जैसे खिलाड़ियों को अवसर मिला है संसद में, उस कोटे के माध्यम से, लेकिन वो जब कोटा आएगा तब देखेंगे, अभी तो राज्यसभा इलेक्शन आया हुआ है। ये बात मैं उस बात से सहमत नहीं, जब राज्यसभा इलेक्शन आया हुआ है तो राज्यसभा के लिए उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। सारी पार्टियों से भी मैं आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि एकमत होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस पर विचार करें। दूसरी इस पर कॉमेंट एक आया, किसी ने कहा कि राजनीति, अगर सारी पार्टियां अगर एकमत होकर और एकजुट होकर ये फैसला करती हैं तो उसमें कहाँ की राजनीति है, जो है इसमें फिर वो राजनीति से ऊपर सारे मिलके भेज रहे हैं, तो पूरा हरियाणा भेज रहा है, सारे दल मिलके भेज रहे हैं जिनके विधानसभा में विधायक हैं, तो पूरा हरियाणा भेज रहा है, एकमत से भेज रहा है, तो उसमें कोई राजनीति नहीं, उसमें फिर सभी पार्टियों का धन्यवाद है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जो है निश्चित तौर से राज्यसभा में जो सुझाव दिया हुड्डा साहब ने वो एक ऐसा सुझाव है, मैं हर पार्टी से अपील करता हूं हर बात से ऊपर उठकर इस बात पर गंभीरता से विचार हर राजनीतिक दल करे। यात्रा को लेकर के बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस जो है पिछले 10 सालों का हिसाब भी लेकर के अपनी बही बिड़ा। ये मैं समझता हूँ कि मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रजातंत्र में ये एक प्रजातंत्र का की परंपरा है कि सत्ता दल से हिसाब मांगा जाता है और विपक्ष हिसाब मांगता है, लेकिन भाजपा अभी से हमसे हिसाब मांगने की बात कर रही है तो मान रही है शायद कि बीजेपी विपक्ष में जा रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। तो धन्यवाद, तो हम तो तैयार हैं, हम तो अपने कार्यकाल की सारी उपलब्धि आज तक काम बताकर घोषणाएं करके नहीं, 10 साल बाद आखिरी 30 दिन में घोषणा कर रहे हैं, काम बताने कुछ है नहीं इनके पास। हम तो आज तक हमारे कार्यकाल के कामों को लोगों के बीच में लेके जाकर, तो हमारा तो लोगों को पता है, लेकिन इनकी भावना ऐसी लगती है कि ये मान रहे हैं कि भाई हम सत्ता में जा रहे हैं और ये विपक्ष में जा रहे हैं। कांग्रेस टिकटार्थियों के लिए 2000 से ज्यादा आवेदन आए 90 विधानसभा, तो कांग्रेस का क्या बैलेंस रहेगा कि भी जीतने वालों को देगी या कोटा होगा या उसकी निष्ठा देखी जाएगी, किस तरह टिकट? देखिए, कांग्रेस में जो इतने प्रत्याशियों को संभाव अपने तरफ जो आवेदन आया है उम्मीदवारी के लिए, तो ये एक संकेत है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष की लहर बन चल रही है, कि कांग्रेस के बहुत से नेता बहुत से कार्यकर्ता ये मानते हैं कि भाई वो सक्षम है, चुनाव लड़के जीत सकते हैं। तो ये संकेत कांग्रेस के पक्ष की लहर का है। टिकट वितरण की जो हमारी प्रणाली है उसी प्रणाली के अंतर्गत कांग्रेस की हमारी अपनी प्रणाली है, स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, फिर CC बनती है, जिस प्रणाली के तहत कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मेरिट पर टिकट वितरण करने का काम किया था, जिसकी वजह से देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मत प्रतिशत 29 प्रदेशों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का आया। उसमें टिकट वितरण का भी केवल जो प्रदेश की नेतृत्व उदय भान जी और हुड्डा साहब को तो बधाई मैं देता ही हूँ, प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को जिन्होंने प्रदेश की कमान उदय भान जी और हुड्डा साहब के हाथ में सौंपी, तभी देश में सबसे ज़्यादा वोट आई कांग्रेस की। लेकिन उसके साथ साथ टिकट वितरण जो बिल्कुल मैं समझता हूँ मेरिट पर करने का प्रयास किया गया, और यही ध्यान रखे जाएंगे सारे जो फैक्टर आपने कहे, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो कैंडिडेट का कितनी मजबूती है, कौन जीतने वाले हैं और पार्टी के लिए क्या उनका कौन लोग समर्पित रहे हैं, तो
तो जिताओ और टिकाओ, ये बातें रहती है। बाकी भी सारे फैक्टर होते हैं, जातीय समीकरण, उम्र का समीकरण, कुछ यंग होते हैं कुछ और, वो सारी चीज़ें हमारे स्क्रीनिंग कमेटी में सीसी में गहराई से विचार करके फिर टिकट का वितरण किया जाता है। आरोप लगा रही है 10 साल में भाजपा ने घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया, वो किया, कल कांग्रेस की सरकार आ जाती है क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी या चुनावी मुद्दा ही रहेगा? देखिए जहाँ आवश्यकता होगी करेंगे। ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो जो है जनता, देखो बड़ा विश्वासघात इस पार्टी ने किया है और मैं समझता हूँ यूँ तो कहते हैं अपना कोई भी, अब हरियाणा का बट्टा बिठाने के बाद बीजेपी वाले माफी मांग लें जी, बट्टा बिठा दिया 10 साल में तो प्रजातंत्र में जो अपना लोग है वो देखते हैं सबको, लोगों को सबकी नियत का पता होता है। एक बार इनके बाद फिर लेते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भी जो लोग घोषणाएं की जा रही है, कांग्रेस किस दृष्टि से देखिए? घोषणाएं जो है ये कबूलनामा है कि इन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किए होते 10 साल तो 10 साल के कामों के आधार पर अपनी वोट मांगते। काम तो इनका ये है कि 10 साल सिलेंडर रहा 1100, 10 साल सिलेंडर रहा, और ये घोषणा है कि भाई 10 साल के बाद आखिरी महीने का रिफिल कराएंगे 500 में। अब बताओ पर लोग क्या मानेंगे? ये पता चल गया इनसे कि इन घोषणाओं से भी पता चल रहा है कि इनके काम क्या थे असली। तो ये आपको, अब काम तो ये है कि 10 साल तक क्रिमिनल रखी इन्होंने 6 लाख, और ओबीसी समाज के बहुतों को, हजारों उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला, लाखों को नहीं मिला। घोषणा ये है कि भाई 8 लाख में ही तो भर्ती हो नहीं पाएगी इस 30 दिन में। तो अब ये घोषणा ये है, अभी नोटिफाई भी नहीं हुआ 8 लाख क्रिमिलर की, 8 लाख तो फर्क ये है ना भाई। इससे ये भी पता चलता है कि इनके काम जो थे वो जनता के जनभावनाओं के हिसाब से नहीं थे, जन विरोधी काम थे। इनकी घोषणाओं से ये पता चल सकता है, इनकी घोषणा ये बता रही है। दीपेंद्र जी सबसे आपने कहा अच्छा, एक उनके बीच में बोल पड़े थे, उसके बाद फिर आ गए एक एक करके। अच्छा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, ये वोट काटू पार्टियां हैं, इनेलो हो या जेजेपी हो, ये वोट काटू पार्टियां हैं। हरियाणा की जनता इनको पहचान चुकी है, इनका सच जान चुकी है। बीजेपी के इशारे पे ये अपनी राजनीति करने वाले लोग हैं। इस बार हरियाणा के लोग ऐसी पार्टियों को स्वीकार नहीं करेंगे। हरियाणा में 2 मुकाबले देखेंगे हम, एक बीजेपी और कांग्रेस का जिसमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत सरकार बनाएगी, और दूसरा मुकाबला हरियाणा में रहेगा इनेलो और जेजेपी का, नोटा से जो आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी नोटा से मुकाबला। हम तो तैयार हैं, हम तो मांग कर रहे हैं चुनाव की। पिछले जब लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले आपने देखा होगा 3 विधायक हमारे पास निर्दलीय कांग्रेस से समर्थन कर गए थे हुड्डा साहब को रोहतक आके, तब से हम मांग कर रहे हैं कि भैया अल्पमत की सरकार है चुनाव कराओ। तो हमारी आज भी वही मांग है कि भाई चुनाव कराओ, अल्पमत की सरकार है, एक्चुअली में अल्पमत की सरकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हर विधानसभा के साथ यार इसका इनका रह गया, एक रह गया। भूपेंद्र जी आपने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस से जिताओ कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, तो पिछले काफी समय से नरेश शेरवाल उकलाना में काफी मेहनत कर रहे हैं, क्या उनकी मेहनत का फिर मिलेगा? सर मेरा भी सवाल ऐसा ही था, हर विधानसभा के साथ में कम से कम 15 से 20 जो कैंडिडेट है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता, लेकिन उकलाना से अकेले नरेश शेरवाल है, तो किस प्रकार से फायरिंग करेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो खेमा? देखिए ये कांग्रेस में एक ही खेमा है, राहुल जी का, खड़गे जी का, कांग्रेस एकजुट है। और जैसे मैंने कहा मेरिट पे जिन्होंने मेहनत करी है लोगों के बीच में जो रहे हैं, आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी, आपने हमारे टिकट वितरण में देख लिया था, तो विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी का रहने जा रहा है। सर्वेस पे लोगों के बीच की भावना जानते हुए कांग्रेस सबसे बढ़िया उम्मीदवारों को उतारेगी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब टिकट बटी तो टिकट बटते ही ये कहा भाई कांग्रेस से मुकाबले में आ गई पूरे हरियाणा में, कहा आप भी कहा कहने वाले थे कि नहीं कहने वाले थे? अब तो आप पहले ही कह रहे हो कि कांग्रेस जीत रही है, तो जब टिकट वितरण होगा तो इस बार ये अप्रत्याशित
टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा हरियाणा में। आपको नहीं लगता अब की बार भी कांग्रेस ही कांग्रेस को आएगी? दो दो तीन तीन गुट हो रहे, वो कह रहे मैं सीएम, मैं सीएम। देखिए ऐसा ऐसा है जो है, मैं समझता हूँ कांग्रेस एकजुट है। अगर गुटबाजी कहीं है और भीतरघात की FIR कहीं कट रही है तो बीजेपी मुख्यालय पे कट रही है। वो आप खबर दिखाओ, आप दिखाते नहीं हो। आप रणजीत चौटाला से पूछो कि कितनी मदद जो है रणबीर चौटाला जी की है, कि मदद कितनी कैप्टन अभिमन्यु जी ने करी थी, रणवीर गंगवा जी ने करी थी। आप डॉक्टर अरविंद शर्मा से पूछो कितनी मदद मनीष ग्रोवर जी ने करी थी, नरेश कौशिक जी ने करी थी। आप मोहन बडोली जी से पूछो कि उनके कितने विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने सोनीपत में उनकी मदद करी थी। आप राव इंद्रजीत सिंह जी से पूछो कि वो क्यों जो है उनकी भाषा जो बीजेपी सरकार का जो बीच बीच में वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। आप धनखड़ साहब से पूछो धनखड़ साहब को हटवाने में किस किस नेता का रोल रहा। आप जरा अकेले से उनसे बात करके आना। आप कृष्णपाल जी गुजर से बात करना। आप पूछना कि आदमपुर चुनाव में ज़्यादातर बीजेपी के नेता क्यों नहीं आए। तो गुटबाजी की और भीतरघात की FIR कहीं कट रही है तो उसका एड्रेस है बीजेपी मुख्यालय। गुटबाजी वहाँ है, हरियाणा में एक गुट है, हरियाणा में राहुल जी का गुट है। राहुल जी के आशीर्वाद से, खड़गे जी के आशीर्वाद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में